Hello everybody, in this video we will read the first poem of 5th unit of your English channel course book, and the name of the poem is Cloud Pictures. Cloud Pictures means बादलों से बनी तस्वीरें, बादलों की तस्वीरें. Alright, now in our childhood or even we often like to see different shapes which appear in the clouds and we are always fascinated with it. हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है जब हम आसमान में अलग अलग शेप्स बादलों को लेते देखते हैं. दिस इज समथिंग विच एवरी वन लाइक्स टू सी वेन बींग अ चाइल्ड. सो द पोएम स्टार्ट विद अ क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज कि क्या आपको चीज़ें ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है. हैव यू एवर लेड इन योर बेड, क्या कभी आप बिस्तरे पे परे पड़े डिफरेंट फेसेस, जो सीलिंग जो आपकी छत पे जो डिफरेंट शेप्स अपीयर होते हैं, क्या कभी आपने उसे देखा है. नाउ इन दिस पोएम देयर इज अ गर्ल हु लुक्स अप एट द स्काई, हु लुक्स अप एट द क्लाउड्स एंड फाइंड्स डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट इमेजेस, एंड शी रिलेट्स हाउ दे आर रिलेटेबल टू द थिंग्स दैट वी डू इन आवर लाइफ, टू व्हाट वी see in our life, what we observe in our life. So let's, without wasting any more time, let's jump to the poem and find out what's given in it. So it starts with the very first line, among the grass I love to lie, among the grass I love to lie and watch the fleecy clouds pass by, for many pictures there I see so clear although so far from me. सबसे पहले वी विल लुक एट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द स्टैंजा. फर्स्ट इज फ्लीसी. फ्लीसी मीन्स सॉफ्ट. द वर्ड फ्लीसी मीन्स सॉफ्ट एंड ऑल्दो, ऑल्दो मीन्स हालांकि. सो नाउ द मीनिंग ऑफ द स्टैंजा गोज एज, अमंग द ग्रास आई लव टू लाई, मुझे पसंद है कि मैं घास के बीच लेटी रहूं, एंड वॉच द फ्लीसी क्लाउड्स पास पाई, और मैं देखती रहूं, मैं गौर करती रहूं उन क्लाउड्स पे, उन सॉफ्ट क्लाउड्स पे जो कि आसमान से गुजर रहे हैं. फॉर मैनी पिक्चर्स देयर आई सी, मैं वहाँ काफ़ी पिक्चर्स देख पाती हूँ. सो क्लियर, हाँ मैं उन पिक्चर्स को काफ़ी क्लियरली देख पाती हूँ. ऑल दो सो फार फ्रॉम मी, हालांकि वो मुझसे बहुत दूर है, बट स्टिल आई कैन सी दोज पिक्चर्स क्लियरली. दोज images appearing in the clouds are very clear. Now sometimes across the blue there floats, ab kabhi kabhi us neele aasman mein tairta rehta hai, float means tairna, to kabhi kabhi us neele aasman mein tairti rehti hain a stately fleet of white sailed boats. ab wo blue, blue color hai sky ka aur blue color hai water ka, to yahan wo स्काई को ओशन से रिलेट कर रहा है, और जिस तरह से ओशन में अलग अलग शिप्स, अलग अलग बोट्स तैरा करती हैं, सो ही सेज दैट अ स्टेटली फ्लीट, मतलब एक एलिगेंट, काफ़ी स्लोली, काफ़ी धीमे धीमे शिप्स जो हैं वो इस ब्लू स्काई में, और वी कैन से इस ब्लू ओशन में बढ़ रही हैं, और ये सभी जो बोट्स हैं वो वाइट कलर की हैं. ऑन शाइनिंग माउंटेन्स रग्ड क्रेस्ट्स, रग्ड मीन्स उबड़ खाबड़, विच इज़ नॉट प्लेन, इरेगुलर सरफेस. तो इसके अलावा वो माउंटेन्स पे क्रेस्ट्स, दिस पार्ट ऑफ अ माउंटेन, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोअर पार्ट इट इज़ कॉल्ड द ट्रफ. तो वो माउंटेन के ऊपरी पार्ट्स को भी देख पाता है. द ग्रे विंग क्लाउड बर्ड्स सीक देयर नेट्स नेस्ट्स, और जो ग्रे विंग क्लाउड्स हैं जो कि ग्रे पंख वाले, मतलब हल्के घने बादल, ऐसा लगता है कि उसमें चिड़िया ने अपना डेरा बना रखा है. एंड ओवर द सनसेट्स रेडियंट बार, रेडियंट मीन्स चमकीला, गर्मी से भरा, रोशनी से भरा. और ओवर द सनसेट्स रेडियंट बार लोन फेरी लैंड्स मोस्ट श्योरली आर, और वो
राइटर हमें कह रहा है, ये जो गर्ल जो है वो हमें कह रही है कि सनसेट के वक्त जो सूरज की गर्म किरणें हमारी तरफ आती हैं, उसके पार ऐसा लगता है कि फेरी लैंड है, परियों का देश है। वहाँ बिल्कुल परियों का देश होगा, विथ रूबी आइजल्स इन लेक्स ऑफ गोल्ड। आइजल्स माने आइलैंड, आइलैंड मीन्स एन एरिया सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स फोर साइड्स। तो ऐसा लगता है जैसे कि उन जहाँ पे सूरज डूब रहा है उसके पार बिल्कुल फेरी लैंड्स हैं, और वहाँ पे रूबी, रूबी इज़ अ ज्वेल, इट्स अ रेयर ज्वेल, काफ़ी कीमती आभूषण है, काफ़ी कीमती रत्न है। ऐसा लगता है कि वहाँ रूबी आइलैंड है और सोने के लेक में, लेक सोने का है और उसमें रूबी, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस ज्वेल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। वेयर टावर्स इन क्रिम्सन लाइट अनफोल्ड, और जो सनलाइट है वो ऐसा लगता है कि क्रिम्सन, क्रिम्सन मीन्स डार्क रेड, तो चारों तरफ गहरी लाल रोशनी फैली सी है। नाउ वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट अ गर्ल इज लाइंग ऑन द प्लेन्स एंड ही कैन इमेजिन डिफरेंट थिंग्स, लाइक यू कैन सी इट्स लाइक अ बोट सेलिंग एंड देर इज समवन हु इज विजिटिंग अक्रॉस द माउंटेन्स, सो ही कैन परसीव, ही कैन विजुअलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। द ब्लैक क्लाउड्स गैदर फ्रॉम अफार, अब जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो काफ़ी दूर से कहीं पर जमा हो गए हैं, अफार मीन्स दूर से, तो गैदर फ्रॉम अफार एज माइटी आर्मीज मार्च टू वॉर। जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो इकट्ठा हो रही हैं काफ़ी दूर, जैसे कि कोई माइटी आर्मी, कोई बहुत ही शक्तिशाली आर्मी, माइटी मीन्स शक्तिशाली, तो जैसे कि कोई शक्तिशाली आर्मी है जो लड़ने को आगे बढ़ रही हो। एंड व्हेन दे मीट इन थंडर क्रैश, और जब जैसे दो आर्मीज टकराती हैं तो काफ़ी साउंड प्रोड्यूस होता है, इन द सेम मैनर ऐसा लग रहा है कि दो बादल अभी टकराएंगे और काफ़ी थंडर प्रोड्यूस होगा, काफ़ी बिजली प्रोड्यूस होगी, काफ़ी गरज प्रोड्यूस होगी। आई सी देयर स्पीयर्स ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, और उनकी जो स्पीयर्स, स्पीयर्स मीन्स भाले या तलवार, तो जैसे कि जब लाइटनिंग, जब बिजली गोंधती है, जब बिजली चमकती है, तो ऐसा लगता है कि उनके जो स्पीयर्स हैं, उनके जो भाले हैं, वो आपस में टकरा रहे हों। फॉर एवर चेंजिंग टू एंड फ्रो, ये जो हमेशा ही बदलते रहने वाले, पल पल बदलते रहने वाले, मीन्स एवर चेंजिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, ये जो बादल हैं कभी आगे बढ़ रहे हैं दिखते हैं, कभी पीछे बढ़ रहे हैं दिखते हैं। ब्लोन बाय द केयरलेस विंड दे गो, उन्हें कोई परवाह नहीं कि विंड उन्हें कहाँ ले जाए, दे आर केयरलेस कि उन्हें विंड कहाँ पे ले जाएगी। नो वंडर द क्लाउड पिक्चर्स देयर, कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं, द क्लाउड पिक्चर्स देयर आर ऑलवेज फ्रेश एंड ऑलवेज फेयर, क्योंकि बादलों को पता है कि उनके जो पिक्चर्स हैं वो हमेशा ही फ्रेश होंगे और हमेशा ही फेयर होंगे, हमेशा ही सुंदर, हमेशा ही अच्छे होंगे। दिस पोएम इज रिटन बाई एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स वॉट, वेन वी डू नॉट नो अबाउट द ऑथर, वेन वी डू नॉट नो दैट हु हैज़ रिटन इट और इट्स अनक्लियर, देन वी से दैट इट्स एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स अज्ञात, इसके बारे में पता ना हो। नाउ द पोएम हैज़ अ न्यू पोएटिक डिवाइस दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। देखो इन दिस पोएम देर इज़ अ पोएटिक डिवाइस यूज विच वी विल सी, इट इज़ एलिट्रेशन। इस पोएम में एलिट्रेशन एक पोएटिक डिवाइस है विच वी हैव टू सी, एंड वॉट इज एलिट्रेशन। तो जब कभी भी एक लाइन में दो वर्ड्स सेम लेटर से शुरू हो रहे हों, आई रिपीट, जब किसी भी लाइन के कोई भी दो वर्ड्स सेम लेटर से शुरू हो रहे हों, दे आर कॉल्ड एलिट्रेशन। द डेफिनेशन इज द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल लेटर्स इन अ लाइन ऑफ अ पोएम आर कॉल्ड एलिट्रेशन। लाइक हियर यू सी इट्स लव, एल लाई, एल एल, सो इट इज एलिट्रेशन। सिमिलरली यू कैन सी लाइक इन, नॉट इन द फर्स्ट पैराग्राफ बट देन यू कैन सी हियर इन द वेयर इट इज, लाइक यू कैन सी द टी एच ई द देयर, सो बोथ ऑफ द वर्ड, बोथ दीज वर्ड स्टार्ट विथ टी एच,
द साउंड, सो इट इज एलिट्रेशन. देन वी कैन सी दैट नॉट हियर दो बट यस हियर वी कैन सी फार फार एफ फ्रॉम एफ, सो दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन. नाउ यू कैन फाइंड आउट मेनी सच वर्ड्स विच हैव एलिट्रेशन इन इट एंड देन we will discuss the question answers of the poem in our next class. So till then, thanks and goodbye.